बिस्मिल्लाम असलाकुम नाजरीन ग्रामी हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत की बेहतरीन हालत में होंगे दोस्तों हाँ आज हम आपके लिए डेढ़ लाख से शुरू होने वाले चार बिजनेस लेकर हाजिर हुए हैं नंबर एक तो दोस्तों डेढ़ लाख से शुरू होने वाला पहला बिजनेस है कॉटन कैंडी दोस्तों आपने बचपने चीनी के छल्ले तो जरूर खाए होंगे इन छलों को अंग्रेजी में कॉटन कैंडी कहा जाता है ये छले पूरी दुनिया के बच्चों को बहुत पसंद होते हैं कॉटन कैंडी का काम तो बहुत से लोग कर रहे होंगे लेकिन आपने अच्छी क्वालिटी और अच्छी शक्ल की डिज़ाइन की कॉटन कैंडी प्रोवाइड करनी है और एक मुनफरद तरीके से काम को लेकर चलना है कॉटन कैंडी की मशीन आपको 30 से चालीस हजार में दस्तियाब हो जाएगी इस बिजनेस में आपको सिर्फ चीनी और फूड कलर दरकार होंगे इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आप चीनी में सिर्फ ब्रांडेड फूड कलर इस्तेमाल करें और तिनका भी अच्छी क्वालिटी का लगाएं पैकिंग भी जरा अच्छी नस्ल की करें आपका बिजनेस चल निकलेगा और कुछ ही हफ्तों में अच्छी आमदन शुरू हो जाएगी डेढ़ लाख से शुरू होने वाला दूसरा बिजनेस वीडियो एड्स है हर छोटे बड़े को वीडियो एड्स की जरूरत होती है सोशल मीडिया ने इसकी जरूरत को और भी बढ़ा दिया है चुनाचे हर कंपनी और हर ब्रांड को वीडियो एड्स की जरूरत होती है आप इस काम को भी डेढ़ लाख के अंदर शुरू कर सकते हैं इस काम के लिए आपको सिर्फ एक नॉर्मल लैपटॉप और एक दरमियानी किस्म का कैमरा दरकार होगा अगर आप ये काम नहीं करना जानते तो शुरू में आप चंदमा के लिए एक लड़का रख लें, जो वीडियो एड्स बनाना जानता हो चंदमा में आप खुद भी ट्रेंड हो जाएंगे इस बिजनेस को कामयाब करने के लिए आठ दस वीडियो एड्स आपको लोगों को फ्री बना कर देनी होगी फिर इन एड्स को दिखाकर आप नए कस्टमर से डील कर सकते हैं आप यकीन करें इस काम में 200 फीसद से ज्यादा प्रॉफिट है बस थोड़ी सी मेहनत और लगन दरकार है डेढ़ लाख से शुरू होने वाला तीसरा बिजनेस चिप्स मेकिंग मशीन है पाकिस्तान में हर साल 20 अरब रुपए के चिप्स खाए जाते हैं इनकी मशीन बहुत ही सस्ती और सादा होती है आप यूट्यूब ऐसी चिप्स बनाने और पैक करने का तरीका भी सीख सकते हैं दोस्तों आप चिप्स का अपना ब्रांड भी बना सकते हैं इसके अलावा आप शहर में मुख्तु जगहों पर चिप्स के कई स्टॉल भी लगवा सकते हैं दोस्तों डेढ़ लाख से शुरू होने वाला चौथा बिजनेस जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है रैबिट फार्मिंग यानी खरगोश फार्मिंग दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटा सा खाली प्लॉट दरकार होगा जिसमें आपने सिर्फ पाँच या छह जोड़े खरगोश के रखने हैं और इनकी आपने ब्रीड करवानी है दोस्तों खरगोश की मादा हर 21 दिन बाद बच्चे देती है इनकी नस्ल इतनी तेजी से बढ़ती है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते ये चंद महीनों में आपके पास सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में हो जाएंगे पाकिस्तान में अक्सर फैमिलिया चिकन से बदजन है वो चिकन का अल्टरनेट चाहते हैं आप खरगोश की ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं और अपने शहर में भी इसको सेल कर सकते हैं आप यकीन करें कि इस वक्त पाकिस्तान में ये काम बहुत कम लोग कर रहे हैं लेकिन जो लोग कर रहे हैं दिनों में इनके घर के हालात तब्दील हो चुके हैं इस काम के लिए आप छोटे छोटे से बैनर छपवाए और शहर भर में मुख्तलिफ जगह लगवा दें और इन बैनर्स को आप अखबार में मिडलवा दें एक हफ्ते में आपकी सेल शुरू हो जाएगी और फिर आप इस काम में प्रॉफिट रेशो निकाल लें आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों आपको इन बिजनेस में से जो आइडिया भी पसंद आया आप देर मत करें और टाइम जाया मत करें बस अभी शुरू करें कामयाबी आपके इंतजार में है बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाजत दीजिए असला